हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं एक मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन, व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। एक NLP ट्रेनर और कोच भी हूँ। काफ़ी सारी मम्मी मेरे पास में आती रहती है, मतलब डैडी भी आते हैं, मम्मी भी आते हैं, सभी आते हैं, मगर मम्मी ज़्यादातर, कि बच्चे बहुत परेशान करते घर में। बच्चे घर में आएंगे, स्कूल की बैग फेंक देंगे, शू कहीं भी निकाल देंगे, नेक टाइम होगा तो वो कहीं फेंक देंगे, स्कूल का ड्रेस निकालेंगे नहीं, वो चेंज नहीं करेंगे, टिफिन लेके गएंगे तो वो और कहाँ डाल देंगे, सॉक्स कहीं फेंक देंगे, और फिर खाना नहीं खाएंगे आने के बाद। मम्मी को उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता है, बेटा खा ले, बेटा खा ले। उसको बोलना पड़ता है कि तूने इधर क्यों फेंक दिया, ये क्यों, क्योंकि कल फिर स्कूल जाने के समय सब कुछ जमा करना पड़ेगा और मम्मी को ही देना पड़ेगा। तो बोलते कि देखो परेशान हो गई हूँ। तो ये परेशानी तो है ही, बच्चों की परेशानी तो, भाई भाई बच्चे किसके है? मैं बोलता हूँ बच्चा है किसका, भाई आपका ही बच्चा है। जब परेशानी है आपको मालूम था तो शादी क्यों किया, और शादी किया तो बच्चे क्यों किए, तो ये तो होने वाला ही है। तो आप ये समझ के चलो कि परेशानी है, आप इससे दूर नहीं हो सकते। उल्टा बार बार आप क्या करते हो, बच्चों को ये बोलते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था, हम ऐसा नहीं करते थे, हम पढ़ाई टाइम टाइम करते थे, हम घर में रहते थे, हम बाहर कहीं जाते नहीं थे, ऐसा उनको अपने टाइम का सुनाते रहते हैं। तो मैं वो मम्मियों को बोलता हूँ कि भाई देखो, आपके ज़माने में व्हाट्सएप था, आपके ज़माने में यूट्यूब था, आपके ज़माने में इंटरनेट था, आपके ज़माने में फेसबुक था, आपके ज़माने में कुछ भी नहीं था। तो आपको यदि, आपके ज़माने में टीवी भी नहीं था, तो आपको यदि कुछ टाइम पास करना है तो करना क्या था, कुछ भी नहीं था। फिर आप क्या करते थे, एक तो खेलो या फिर पढ़ाई करो। आज बच्चों को क्या है कि खेलो, स्कूल में जाओ खेलो, उसके बाद में बाकी सब ये करो, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टीवी है, सब जो चीज़ें, इंटरनेट है, ये सब करो, और टाइम मिला तो पढ़ो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बच्चों के साथ में एडजस्ट होना पड़ेगा। उनको यदि हमने बताया कि भाई तुम्हारा टाइम पक्का है, तुम्हारा टाइम फिक्स है, ये समय पे आपने ये सोशल मीडिया का वापर करने का है, इसके ऊपर नहीं, उसको टाइम दे दिया, उनको वो अलाउ किया तो हो जाएगा। और वही यदि खुद मम्मी पापा वैसे ही करते हैं कि एक टाइम फिक्स है, उस समय वो फेसबुक देखते हैं, उस समय वो व्हाट्सएप करते हैं, तो उनको भी एक आदर्श मिलेगा बच्चों को कि भाई मम्मी पापा ऐसा करते वैसे हम भी करेंगे, या वैसा मैं भी करूँगा। तो पहले मम्मी पापा को देखना है कि भाई अपन ने बर्ताव कैसा करना, और वैसे फिर बच्चे बर्ताव करेंगे। दूसरा ये है कि बच्चों को ये मालूम ही नहीं है कि पढ़ाई क्यों करना। उनको हम क्या करते हैं, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बस पीछे लगते हैं, और पढ़ाई करो ऐसा पीछे लग लग के उसको ये मालूम नहीं कि पढ़ाई क्यों करना। मतलब उसके सामने ना कुछ गोल है, ना उसके सामने कुछ एम है, कोई ऐसा बड़ा उसका टारगेट है, या कुछ भी ऐसा है कि उसके लिए पढ़ाई करेंगे। एक्चुअली मम्मी पापा को बच्चे ने पढ़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे ने पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाना उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि फिर हम हमारे सोसाइटी में, हमारे कॉलोनी में जाके बोलेंगे कि हमारे लड़के ने इतने मार्क्स मिलाए, हमारा लड़का इतना होशियार है। उसके लिए मतलब मेरी इज्जत, मेरी आइडेंटिटी, मेरा बच्चा, उसने इतने मार्क कमाए, इसका मतलब मैंने कमाए। तो बच्चों को यदि ये सब सोशल मीडिया से दूर रखना है तो उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको टाइम देना पड़ेगा, मम्मी पापा ने बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी पापा यदि बिजी है अपने अपने काम में, और जब उनको समय मिलता है तो वो भी व्हाट्सएप और फेसबुक में लगे रहते हैं, तो बच्चे ने क्यों नहीं। मुझे लगता है कि जब हम कहीं होटल में जाते हैं ना, और होटल का बड़ा डाइनिंग हॉल है, तो मुझे लगता है कि वहाँ का एक वीडियो शूटिंग कर लूँ, या वहाँ के फोटोज़ निकालूँ। काफ़ी सारे लोग बैठे रहते हैं बच्चों के साथ में, कुछ कपल्स है, वो खाने के ऑर्डर देने के बाद में खाना जब तक आता नहीं है तब तक सब अपने अपने व्हाट्सएप में बिजी है, या अपने अपने फेसबुक पे बिजी है, मतलब वहाँ बातें नहीं करते आपस में, वो लोग अपने अपने फेसबुक में बिजी है। एक तो मुझे कल व्यक्ति मिला था, वो तो बोल रहा था कि भाई हम तो घर में बैठे बैठे एक दूसरे से व्हाट्सएप पे बातें करते, चैटिंग करते, मतलब आजकल यहाँ हो गया कि एक घर में बैठे बैठे लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं।
आज तो ऐसा हो गया कि अमेरिका में जो मेरा कोई दोस्त होगा उसको बुखार आ गया तो मुझे जल्दी मालूम होता है, मेरे दादी को कोई चोट पहुंच गई या बुखार आया तो मुझे मालूम नहीं होता, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे नहीं या फेसबुक पे नहीं। तो बच्चों को यदि टारगेट दिया, कुछ उनके सामने ध्येय उद्दिष्ट उद्देश्य गोल्स उनके सामने रखे, पढ़ाई क्यों करना उसके बारे में बातचीत किया, बाकी चीज़ें क्यों नहीं करना उसके बारे में बातचीत किया, तो एक वो रिस्पॉन्सिबल इंसान बन सकते हैं जो अपने बर्ताव की जिम्मेदारी बच्चे लेंगे। तो उनके पीछे ना लगते हुए, जैसे मम्मी को तो समझो हाउसवाइफ है तो कुछ काम ही नहीं रहता, वो तो उसके पीछे लगते हैं, ऐसा कर वैसा कर, ये मत कर वो मत कर, अभी स्नान कर अभी खाना खा अभी ये खाना खा अभी वो कर, तो ऐसा पीछे ना लगते हुए उनको यदि डायरेक्शन दिया, बच्चों को बच्चों के साथ में बातचीत किया, उनको समय दिया, तो बच्चा अच्छा इंसान बन सकता है। लोग क्या कहते हैं, बड़े घर के लोग बहुत पैसा है तो बच्चों को समय देने के बदले उनको पैसा देते हैं, तो बच्चों को एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि डबल टाइम दो और आधा पैसा दो। बच्चों को आपका टाइम महत्व का है। एक डॉक्टर का लड़का, वो डॉक्टर के अपने पिताजी के पास में जाता है, डॉक्टर साहब काफ़ी बिजी रहते हैं, सुबह जो घर से निकल जाएंगे तो रात तक वो पेशेंट ही पेशेंट देखेंगे। तो वो एक बार डॉक्टर साहब जब घर से बाहर निकलते हैं तो बच्चा उनको बोलता है कि डैडी डैडी रुको जरा। बोले क्या हो गया? बोले डैडी आपके पास में जब पेशेंट आता है तो आप उसको उसको कितना चार्ज लेते हैं, किस कितने पैसे लेते हैं? बोले मैं जब पेशेंट आता है ना तो उससे 500 रुपये लेता हूँ, तपास फी जांच की फी 500 रुपये लेता हूँ। बोले आप रुको रुको। बोले बोले आप ऐसा करो मुझे 200 रुपये दे दो आप। बोले क्या लगाया है? मुझे जाना है जल्दी दवाखाने में जाना है, वहाँ पेशेंट देखना है। क्या? नहीं। बोले आप मुझे 200 रुपये दे दो। बोले ठीक है। इसका पीछा छुड़ा करके वो 200 निकालता है। बोले रुको। वो जाता है, उसके पास में एक डब्बा रहता है जिसमें वो अपने पैसे जमा करके रखता है, वो डब्बा खोलता है उसमें से 300 रुपये निकालता है, और ये 300 और 200 500 रुपये उसके डैडी को देता है। बोलते हैं ये आपकी फ़ी हो गई, आप पेशेंट को 500 रुपये लेने के बाद में 15-20 मिनट देखते हैं ना, अब मुझे आप 15-20 मिनट का टाइम दो। वो डैडी की आंखें खुल गई कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो पैसा सब कुछ नहीं है, बच्चों को टाइम देना पड़ता है, सच्चाई के साथ में बच्चों के साथ में बातचीत करना है, सच्चाई के साथ में व्यवहार करना है, उनको जिम्मेदार व्यक्ति और जिसको आगे क्या करना है उसके बारे में बातचीत, भविष्य, क्योंकि बच्चे भविष्य जीते, फ्यूचर जो है भविष्य वो उनका है, तो उसके बारे में यदि बात करते हो तो एक अच्छा हमारा देश तैयार हो जाएगा जिसमें हर व्यक्ति फ्यूचर के बारे में अपना कामकाज करेगा। काफ़ी घर घर में ये प्रॉब्लम होंगे, आपके परिचित जो लोग हैं उनके घर में ये प्रॉब्लम होगा, आपके दोस्तों में। ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप में शेयर करो, यूट्यूब में शेयर करो, फेसबुक में शेयर करो, जहाँ वहाँ आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि काफ़ी सारे लोगों को मालूम होगा, उनकी परेशानियाँ दूर होंगी और एक अच्छे इंसान का बिल्डिंग हम करेंगे, एक अच्छा इंसान हमारा देश एक अच्छे इंसान का, बहुत पावरफुल इंसान का, शक्तिशाली देश तैयार हो जाएगा। आगे आने वाली पीढ़ी बहुत ही शक्तिशाली रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच।